और इस बीच बड़ी खबर आई है, यूपी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल। दूसरे चरण में 20 जिलों में डाले जाएंगे वोट। मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर में वोटिंग होगी। वहीं अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा में भी डाले जाएंगे वोट। तैयारी लगभग पूरी हो गई है। ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी में भी वोटिंग होगी। सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़ में भी मतदान किए जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 2 मई को रिजल्ट आएंगे। एक बार आपको फिर से बता दें कि पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर कल मतदान होना है। मतदान के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य है और इसके लिए पूरे मुस्तैदी के साथ प्रशासन के लोग तैयारी में जुट गए हैं। तो दूसरे चरण के मतदान में यानी 20 जिलों में ये मतदान होना है और मतदान को लेकर जो पोलिंग पार्टी है वो अपने अपने बूथ पर रवाना हो चुकी है। पुलिस मुस्तैदी के साथ बूथ पर पहुंच चुकी है। वहीं सबसे जो बड़ी चुनौती है वो ये कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो गाइडलाइंस है उसे पालन कराना। और लगातार उन जिलों को हम आपको बता रहे हैं जो जिन जिलों में मतदान कल होना है पंचायत चुनाव को लेकर। तो यूपी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होना है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरे चरण में 20 जिलों में मतदान होगा। मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर में मतदान किया जाएगा। वहीं अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा में भी वोट डाले जाएंगे। ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी में भी कल मतदान किया जाएगा। सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़ में भी पूरी तैयारी कर ली गई है जहां वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं 2 मई को पंचायत चुनाव के नतीजे आएंगे और लगभग सारी तैयारियां पूरी हो गई है। कोविड-19 के नियमों का पालन बेहद जरूरी है और इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। कोरोना पॉजिटिव प्रत्याशी भी नामांकन भर सकते हैं, यानी कि नामांकन वो भर चुके हैं और कल मतदान होना है। यूपी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है। दूसरे चरण में 20 जिलों में मतदान होना है और उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन तैयारी किस तरीके से है, हम अलग अलग जिले जाएंगे अपने संवाददाता के पास। आपको बता दें कि गांव की गवर्नमेंट इस कार्यक्रम के मद्देनजर हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का हाल कि किस तरीके से किन जिलों में पंचायत चुनाव के लिए लोग तैयार हैं, लोगों जनता के मन में क्या चल रहा है और प्रशासन ने क्या तैयारी की है। और नीलेश चौहान लखनऊ से जुड़ गए हैं, वाराणसी से आकाश यादव जुड़ गए हैं और बिजनौर से भी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। हम सबसे बारी बारी से वहां का हाल जानेंगे कि आखिरकार कल जो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के जो मतदान होने हैं उसमें अभी तक वहां पर क्या तैयारी है, लोगों के मन मिजाज में क्या कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले हम लखनऊ चलते हैं नीलेश चौहान के पास। नीलेश, आप बताइए लखनऊ में क्या तैयारी है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का दूसरे चरण का जो मतदान है वो कल होगा। 20 जनपदों में उत्तर प्रदेश के ये द्वितीय चरण का कल मतदान होगा। खासतौर पर अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें, जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर पंचायत चुनाव हो रहे हैं, वहां पर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि राजधानी में लगातार जो कोरोना का प्रकोप है वो बढ़ रहा है। उसको लेकर जिला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए कल जो पंचायत चुनाव होने हैं उनको कराया जाए। हालांकि सभी पोलिंग बूथ पर तैयारियां कर ली गई हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है, बल्लियां लगाई गई हैं, ताकि लोग जो है कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान कर सकें। ग्रामीण इलाकों में पहले से ही पुलिस बल को मौजूद कर दिया गया है, भारी संख्या में पुलिस बल। संवेदनशील जो इलाके हैं जहां पर पंचायत चुनाव के दौरान वाद विवाद हो सकता है, वहां पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उसके अलावा LIU की टीमों को भी वहां पर सतर्क किया गया है कि किसी भी स्थिति में किसी भी तरीके का कोई विवाद ना हो पाए। उसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए भी जगह जगह पर पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। उन की गाड़ियों के ऊपर एक स्पीकर लगाया गया है जिसके माध्यम से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जब पंचायत चुनाव में वो नाम वोट डालने के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको सबसे पहले अपना ख्याल रखना होगा, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा, उसी को ध्यान में रखते हुए मतदान किया जा सकेगा। कल तस्वीरें और भी ज्यादा साफ जाएंगी जब लोग अपने घरों से निकलेंगे, कितनी संख्या में लोग अपने घरों से निकलते हैं, क्योंकि राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है उसको देखते हुए लोगों ने पहले ही खुद को अपने घरों में लॉकडाउन के सारे
नियमों को पालन करते हुए घरों में कैद कर लिया है। बिल्कुल आप बने रहते हैं कि वर्ष 2020 बने रहे हैं। लखनऊ की स्थिति तो थोड़ी सी खराब है कोरोना को लेकर, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर विशेष तैयारी की गई है, और भी हाल हम आपसे जानेंगे। लेकिन फैजल खान के पास चलते हैं जो बिजनौर में इस वक्त बने हुए हैं। फैजल, जहां तक बिजनौर की बात कर ली जाए तो बिजनौर में क्या कुछ देख पा रहे हैं आप, लोगों के मन मिजाज में क्या चल रहा है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, दूसरे चरण का बिजनौर में चुनाव है जिसमें पूरी तैयारी जिलाधिकारी रमाकांत पांडे एसपी धर्मवीर सिंह ने करी है। अगर बात करें पुलिस बल की तो 1500 पुलिस बल बिजनौर में लगाया गया है, और अगर बात करें प्रधानों की तो 1123 प्रधान इस वक्त लड़ रहे हैं अपना चुनाव, और कल उनका वो देखना चालू हो जाएगा। उसके बाद अगर तीसरी बात करें तो 22 जोन बना दिए गए हैं और 22 सेक्टर प्रभारी बनाए गए हैं। प्रशासन हर तैयारी से तैयार हुआ बैठा है। अब कल सुबह 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बिजनौर जी फैजल, आकाश भी लगातार बने हुए हैं और वो भी कुछ कह रहे हैं। आकाश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी, आपको बता दूं कल 20 जनपदों में चुनाव है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ और प्रयागराज और वाराणसी का भी इसी जनपद इसी दूसरे चरण में ही चुनाव है। कोरोना को लेकर लगातार बहुत अफवाहें फैली, हालांकि वाराणसी और लखनऊ में स्थिति बहुत भयावह है। इस लिहाज से जिला प्रशासन लगातार बैठक करती रही, एक रणनीति तैयार की गई है कि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए चुनाव किया जाएगा। हालांकि कल 694 गांव में मतदान पड़ेंगे, उसके साथ साथ उम्मीदवार की बात की जाए तो 4336 उम्मीदवार प्रधान प्रत्याशी कूदे हैं। उसके साथ साथ यदि हम आपको बता दें कितने अधिकारी तैनात किए गए तो 28 जोनल और 105 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं कि कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। उसके साथ साथ यदि पुलिस बल की बात की जाए तो पुलिस बल आज रात से ही तैनात हो गई है, वहां पे पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। आज वह आसपास की गतिविधियां भी निहारी जा रही है। हालांकि LIU भी लगाए गए हैं, कोई भी गतिविधि या कोई आपत्तिजनक कोई भी वस्तु ना करे या कोई लापरवाही ना बरती जाए, कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और मुजफ्फरनगर में सचिन जौहरी भी जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। सचिन, जहां तक मुजफ्फरनगर की बात कर ली जाए, देखिए पूरे 20 जिलों में जो कल दूसरे चरण के जो चुनाव होने हैं पंचायत चुनाव को लेकर विशेष तैयारी की गई है, और प्रशासन के सामने भी एक विशेष चुनौती इस बात को लेकर है क्योंकि कोरोना की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ रही है। मुजफ्फरनगर में किस तरीके से पेट्रोल जो चुनाव की जो पार्टी है वो वहां पर पहुंची है, प्रशासन क्या कुछ कर रहा है आप बताएं। देखिए मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में कल 43 वार्ड और जो 498 ग्राम पंचायत है उनमें चुनाव होना है। जिला प्रशासन अब से पहले काफी बड़े बड़े दावे कर रहा था कि पूरी तरह से तैयारी की जा चुकी है, लेकिन जैसे ही आज पोलिंग पार्टियां पहुंची हैं ब्लॉकों पर चुनाव सामग्री लेने के लिए, तो वहां पर पूरी तरह से जो अव्यवस्था देखने को मिली है, लंबी लंबी कतारें, कोविड की जो गाइडलाइन है पूरी तरह से उसका कोई पालन वहां पर नहीं होते हुए दिखाया है। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ती हुई दिखी है। अब बड़ा सवाल यही है कि कल किस तरह की जो बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचेंगे उसके लिए क्या तैयारी की गई है, यही देखने का अब बड़ा। बिल्कुल, यानी तैयारी हो रही है लेकिन जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है हमारे संवाददाता बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी है। नीलेश, जहां तक मुद्दों की बात कर ली जाए तो लोगों से बातचीत हुई होगी, लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या मुद्दे सबसे ज्यादा हावी हैं पंचायत इलेक्शन में? देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं कि लखनऊ के चार जगहों की अगर हम बात करें, चाहे वो मलिहाबाद हो या फिर बक्सी तालाब हो, गोसाईगंज हो, मोहनलालगंज हो, इन ग्रामीण इलाकों में कल पंचायत चुनाव है। ऐसे में ग्रामीणों की अगर हम माने तो उनका कहना है कि वो अपना ग्राम का प्रधान उसे ही चुनेंगे जो उनके हित में काम करे, खड़ंजा नाली और लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त कराए। हाल फिलहाल में अगर हम 5 सालों के जो प्रधानों के द्वारा काम कराया गया उन पर अगर हम देखें जनता की माने तो उनका कहना है कि प्रधानों ने सिर्फ सरकारी रकम का दुरुपयोग किया है, अपने लोगों को फायदा पहुँचाने का काम किया है, चाहे वो पीएम आवास योजना हो जो प्रधानों के माध्यम से गरीबों तक पहुंचाई जानी थी, या फिर जो शौचालयों का निर्माण सरकार की तरफ से प्रधानों के माध्यम से गरीब जनता के लिए करवाना था, उन तमाम चीजों को लेकर घोलमोल हुआ है। उसी को लेकर जनता ये चाहती है कि इस बार जो प्रधान जिनको वो चुनेगी वो कहीं ना कहीं ईमानदार होना चाहिए, युवा होना चाहिए, और खासतौर पर विकास करने वाला, गांव का विकास करने वाला प्रधान हो। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जनता ने अपना विचार बनाया है कि हम ऐसे ही व्यक्ति को पद के लिए चुनेंगे। उसके अलावा बात करें तो जनता ने यह भी साफ किया है कि हम किसी भी लालच में नहीं आएंगे, निष्पक्ष मतदान करेंगे, अगर कहीं से कोई जोर दबाव डाला जाता है तो उसकी सीधी शिकायत पुलिस प्रशासन से करेंगे। तो ये तमाम चीजों को जनता ने साफ किया है। फिलहाल तस्वीरें कल साफ होंगी कि मोहनलालगंज में, गोसाईगंज में, बक्सी तालाब में और मलिहाबाद क्षेत्र में किस तरीके की व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की तरफ से रहती हैं, जिला प्रशासन की तरफ से रहती हैं, क्योंकि कोरोना का प्रकोप राजधानी लखनऊ में दिन पर दिन बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे के आंकड़ों को अगर देखें तो 5900 से ज्यादा पेशेंट
परसेंट राजधानी लखनऊ में मिले। ऐसा ये चिंता का विषय है कि कल जब भारी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना और भी ज़्यादा फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में पोलिंग बूथों पर क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं, क्या वहाँ पर सैनिटाइजर रखा जाएगा या फिर वहाँ पर कोई स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात की जाएंगी, ये तस्वीरें कल साफ हो जाएंगी। फिलहाल अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से पुख्ता है। जहाँ पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहाँ पर पहले से ही बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि लोग जो है एक लाइन में जाकर मतदान कर सकें। पीठासीन अधिकारियों को भी उचित निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर कोई भी हिला हवाली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है वो उस मुस्तैद है। उसके अलावा बीते 24 घंटे से लगातार जो चुनाव वाले इलाके हैं वहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स भी लगातार फ्लैग मार्च कर रही है, लोगों को संदेश दे रही है कि किसी भी दबाव में आकर उनको डालने की जरूरत नहीं है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अपना जिसको नेता उनको चुनना है वो चुने। तो रैपिड एक्शन फोर्स भी लगातार ग्रामीण इलाकों में घूम रही है, उनके साथ में स्थानीय पुलिस है, पीएसी है। तो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, जिला प्रशासन पूरी तरीके से तत्पर है। कल जब ये चुनाव होगा ग्रामीण क्षेत्रों में तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि कितना ज्यादा कोविड प्रोटोकॉल का पालन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कराया जाएगा। फिलहाल पंचायत निलेश होता यह है कि चुनाव कोई भी हो लेकिन समाज में, प्रदेश में एक उत्सव जैसे माहौल बन जाता है, लेकिन चूंकि इस वक्त जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है, भयावह है, लोग डर रहे हैं, एक दूसरे से बात करने से, भीड़ में जाने से कतरा रहे हैं। लोगों के जहन में ये बात है कि अगर हम भीड़ में जाएंगे, किसी के साथ बात कर लेंगे, कोई संपर्क में आ जाए तो कोरोना संक्रमित भी हो सकते हैं। ऐसे में हम जानना चाहते हैं वाराणसी यानी आकाश यादव से, आकाश, लोगों में क्या वो उत्सव वाला हाल है, उत्साह है, या फिर लोग बहुत ही सहमे हुए हैं? देखिए धर्मराज, जो पहले चुनाव होते थे उसमें काफी उत्सव हो रहा है, लेकिन वाराणसी में जो आज चुनाव होने वाले, कल चुनाव होने वाले हैं, उसमें उत्सव नहीं है। लोगों में एक डर का भाव है क्योंकि कोरोना का संक्रमण जिस हिसाब से बनारस, लखनऊ लेकर पूरे प्रदेश में हो चुका है, लोग डर चुके हैं। अब घर से निकलना एक डर के साये में जीना हो रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने एक बड़ी बैठक की, लापरवाही ना बरते इसलिए पुलिस प्रशासन को भी सचेत किया है। पोलिंग पार्टियां सुबह से रवाना हो गई, हालांकि पुलिस प्रशासन भी वहां मुस्तैदी से उन्होंने दो चुनौती तैयार करना, पहला चुनाव सही तरीके से हो, दूसरा जो कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ ना पाए। क्योंकि पोलिंग पार्टियों पे लगातार कई घर से सभी लोग निकलेंगे तो उसमें कोरोना संक्रमित भी निकल सकते हैं, क्योंकि आरटीपीसीआर जांच वाराणसी में उस लिहाजे से नहीं हो रहा जो पहले दावा किए जाते थे। इस लिहाजे से बनारस में आधी आबादी तो ग्राम में है, गाँव में है, गाँव की गवर्नमेंट चुनी जा रही है। निश्चित तौर पर ये पूरी तैयारी की गई है कि कोरोना का संक्रमण गांव में न फैले। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी संबोधन किया था कि गांव जो उस हिसाब से हमारे गांव सुरक्षित है वो गांव बची रहे, क्योंकि गांव में वो कोरोना का संक्रमण नहीं है। धर्मराज, जो शहर में आंकड़े दिख रहे हैं वो गांव में नहीं, गांव अभी तक सुरक्षित हम लोग का, अभी तक गांव वाले, गांव के लोग डरे हुए हैं, लोग घर से लोग सहमे हुए हैं, लेकिन गांव पूरी तरीके से सुरक्षित है। आकाश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर की जहां तक बात कर लीजिए, मुजफ्फरनगर में इस वक्त जो सबसे ज्यादा हावी है वो है किसानों को लेकर, कि आखिरकार जो आंदोलन चल रहा है उसका कितना इफेक्ट है वहां पर। सचिन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ठीक है वहां पर जो भी प्रशासन की तरफ से तैयारी हो रही है, कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन भी हो रहा है, लेकिन लोगों के मन में क्या चल रहा है इस चुनाव को लेकर, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं मुजफ्फरनगर में जो हावी रहेंगे? किसान आंदोलन के मुद्दे हैं, किसानों की समस्या है वो पूरी तरह से हावी होती नजर आएंगी, और जो किसानों में गुस्सा है यहाँ से लगातार आंदोलन को संचालित किया जा रहा है, गाजीपुर बॉर्डर पर भी लगातार किसान जा रहे हैं, तो पूरा मुद्दा इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा। और इसका जो गुस्सा है वो बीजेपी के प्रत्याशियों को भी झेलना पड़ा है, प्रशासन को भी झेलना पड़ा है, और ये मुद्दा जो है इस चुनाव में पूरी तरह से दिखेगा। जी फैजल, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आप अपना हाल बताइए, बिजनौर में कौन कौन से मुद्दे हैं जो वहां पर हावी हैं? बात करें मुद्दे पहले तो विकास का मुद्दा है, क्योंकि जो पिछले 5 साल प्रधान रह चुके हैं उनका उन्होंने विकास नहीं किया, और प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 रुपए लेके खा लिए और आवास नहीं बनाए, तो सबसे पहला मुद्दा तो विकास का है। बात करें किसानों का, बिजनौर में किसान यूनियन के जो प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं उनकी खुद पत्नी लड़ रही है जिला पंचायत, इसमें साफ नजर आ रहा है कि किसान नाराज है और कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी को इसका सामना करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जी निलेश, देखिए सब जगह जो मुद्दे हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन लोगों में उतना उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कोरोना को लेकर।
जहाँ तक लखनऊ की बात कर ली जाए, क्योंकि लखनऊ पर हम लोग विशेष फोकस किए हुए हैं, राजधानी है उत्तर प्रदेश का और लखनऊ में सबसे ज़्यादा स्थिति जो है चिंताजनक है, लेकिन कल पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है और वोटिंग को लेकर लोगों को वोट डालना मजबूरी भी है, क्योंकि चाहते हैं सब लोग कि हम अपने अच्छे प्रधान को चुने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस बार पार्टी लेवल पे जो सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हालांकि सिंबल उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपने अपने लोगों को उन्होंने कैंडिडेट के तौर पर समर्थन जरूर दिया है। क्या वो कैंडिडेट हावी हैं या फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो व्यक्ति विशेष के तौर पर वहां पर हावी होते हैं, क्या वो मुद्दा नजर आ रहा है आपको, पार्टी के कैंडिडेट मजबूत नजर आ रहे हैं जी या निर्दलीय कैंडिडेट? देखिए, पंचायत चुनाव की अगर बात की जाए तो पंचायत चुनाव में हमने साफ तौर पर, राजधानी की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर यह देखा गया है कि जो पार्टी विशेष से समर्थित प्रत्याशी हैं वो इतना हावी ग्राम सभाओं में, जिला पंचायत में या क्षेत्र पंचायत में नजर नहीं आते। क्षेत्र पंचायत या ग्राम सभा की बात की जाए तो वहाँ पर वही लोग हावी नजर आते हैं जो जनता के बीच रहते हैं, जनता के सुख दुख में खड़े रहते हैं, जनता के विचारों को लेकर चलते हैं, वही लोग वहाँ पर प्रभावी नजर आते हैं। बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की या समाजवादी पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, इनके जो समर्थित प्रत्याशी हैं, हालांकि उनका रुतबा अलग नजर आता है, लेकिन जो वहां के मूल प्रत्याशी हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं, जिन्होंने किसी पार्टी से समर्थन नहीं लिया और पिछले 20 साल से 25 साल से वो वहां पर प्रधानी कर रहे हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि पार्टी विशेष का पंचायत चुनाव में कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि यह कहा जा सकता है कि जब पंचायत चुनाव खत्म होंगे, जब ब्लॉक प्रमुखों को चुनने की बारी आएगी, तो वहां पर जरूर जो है पार्टी विशेष का जो सिंबल लेकर लड़ेगा उसको सीधा फायदा पहुंचेगा। लेकिन पंचायत चुनाव में अगर हम ग्राम प्रधान की बात करें, बीडीसी की बात करें या जिला पंचायत की बात करें, तो इन तमाम पदों पर कोई भी समर्थित प्रत्याशी को उतना ज्यादा लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है जितना कि किसानों की बातों को उठाने वाले प्रत्याशी को मिल रहा है, गरीबों के लिए काम करने वाले प्रत्याशी को मिल रहा है, या फिर जो युवा प्रत्याशी है जो लगातार क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा रहता है, क्षेत्र की जनताओं का सुझाव जो है ऊपर तक अधिकारियों तक पहुंचाता है, तो उन लोगों को प्राथमिकता इस बार जो है ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है वो दे रही है। जनता का भी यही कहना है कि अगर हमारे बीच कोई युवा आएगा तो कहीं ना कहीं जिस युवा जो तेजी के साथ काम कर सकता है वो कहीं ना कहीं बुजुर्ग नहीं कर सकता, युवाओं को सोचे समझ। नीलेश, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं समाज के लिए, समाज के योगदान के लिए, या फिर किसी के दुख तकलीफों में साथ होते हैं, लेकिन इलेक्शन के वक्त अगर वो फाइनेंशियल कमज़ोर है, आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर है, तो वहाँ आखिरी मोमेंट पर नोट फॉर वोट का मामला शुरू हो जाता है, क्या ऐसा तो नहीं दिख रहा है? देखिए बिल्कुल, राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी में पुलिस प्रशासन बिल्कुल सक्रिय है। उसके अलावा लाइव की टीमों को इसलिए लगाया गया है कि कहीं पर वोटों की खरीद फरोख्त ना की जा सके। उसके अलावा पंचायत चुनाव में व्यापक पैमाने पर यह भी देखने को मिलता था कि तमाम जगहों पर शराब की सप्लाई की जाती थी, महिलाओं को साड़ी वितरण का काम किया जाता था। हालांकि इस बार ये कुछ देखने को नहीं मिला है। जिन जगहों पर छुटपुट घटनाएं भी सामने आई वहां पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए जो है मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि राजधानी में वोटों की खरीद फरोख्त का कोई मामला नहीं आएगा, क्योंकि एलआईयू पूरी तरीके से सक्रिय है, रैपिड एक्शन फोर्स लगातार ग्रामीण इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहा है, स्थानीय पुलिस भी लोगों से संवाद बनाए हुए है। तो ऐसे में वोटों को खरीद फरोख्त करना काफी मुश्किल होगा। अगर हम राजधानी की बात करें तो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कम उम्र में एक गोसाईगंज से एक लड़का लड़ा था जिसको सबसे ज्यादा वोटें मिली थी और वो ग्राम प्रधान बना था। इस बार भी वो अपनी पत्नी को लड़ा रहा है, तो देखने वाली बात होगी कि पिछली बार वो खुद जीता था, इस बार वो क्या जीत पाता है या नहीं जीत पाता। तो इस तरीके के तमाम युवा प्रत्याशी हैं जो एलिजिबल हुए हैं, इसी साल एलिजिबल हुए हैं कि वो प्रधानी का इलेक्शन लड़ सके, वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हम युवा होकर प्रधानी के इलेक्शन में उतरे हैं, अगर जीतेंगे तो जनता को सीधा वो सहयोग करेंगे ताकि वो अपने गांव का विकास कर सकें। जो प्रधानमंत्री सपना देखते हैं कि हम ग्रामीणों को वो सुविधाएं देंगे जो शहरी लोगों को मिलती है, हम गांवों को हाईटेक बनाएंगे, वहां पर तमाम चीजें लेके जाएंगे ताकि ग्रामीण जो पलायन करते हैं शहरों की ओर वो ना करें, अपने गाँव में ही रहकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। तो इन तमाम चीजों को लेकर युवा लगातार जो है लोगों को अपनी ओर रिझा रहे हैं ताकि जो मतदान कल होना है उनके पक्ष में हो। जी बिल्कुल, और जहाँ तक, क्योंकि कल ही मतदान होना है और सारी बातें तो आपने कह दी, मुद्दों की बातें भी हम लोगों ने कर ली, लेकिन क्या लोग वोट डालने के लिए लोग उत्साह देखने को मिला है कि लोग निकलेंगे बाहर कोरोना को लेकर? देखिए बिल्कुल राजधानी की अगर हम बात करें तो कोरोना का प्रोटोकॉल देखते हुए राजधानी की जनता मतदान जरूर करेगी, क्योंकि राजधानी की जनता में तमाम ग्राम सभाएं ऐसी हैं जहां पर स्थानीय जो वर्तमान ग्राम प्रधान है उनके प्रति काफी रोष देखा गया, क्योंकि जनता का कहना है कि प्रधानों ने अपने लोगों को सीधा फायदा पहुंचाया है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो,
योजना हो, उन लोगों को नहीं मिला जो वाकई में पात्र थे। पर प्रधानों के द्वारा जो ग्राम समाज की जमीन थी, चरागाह की जमीन थी, वो कब्जा करने के भी मामले आए हैं, जिसकी शिकायत जैसे ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर ऐलान हुआ था, जनता ने जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक की थी। तो कहीं ना कहीं जनता भी ये देख रही है कि हम उस प्रधान को बदलेंगे जो जनता के हित में नहीं सोचता है, सरकारी जमीनों पर कब्जा करता है या सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके अपने लोगों को फायदा पहुंचाता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर जनता मतदान जरूर करेगी। कोविड प्रोटोकॉल का कितना पालन होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिला प्रशासन भी तमाम दावे कर रहा है कि हम कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही जो पंचायत चुनाव का कल दूसरा चरण है उसको पालन कराते हुए हम पूरा कराएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजधानी के जो ग्रामीण इलाके हैं, चाहे चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निलेश। ललित जो अभी अभी नोएडा से जुड़े हैं, नोएडा का भी हाल हम जान लेते हैं। ललित, जहां तक नोएडा की बात कर ली जाए तो क्या स्थिति है यहां पर पंचायत चुनाव को लेकर, क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, जनपद में 86 यहाँ पर जो ग्राम पंचायत की सीटें हैं और 5 वार्ड हैं, इनका इलेक्शन यहाँ पर कल होने वाला है, जिसमें कल मतदान किया जाएगा। यही जो पुलिस की तरफ से तैयारी की गई है उसमें बताया गया है कि 3 सुपर जोन, 3 जोन और 29 सेक्टर में पूरे जो 86 ग्राम पंचायत है इनको बांटा गया है। साथ में यहाँ पर जो पुलिस बल की तैनाती की गई है उसको लेकर के भी यहाँ पर पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। 2 DCP, 3 ADCP, 5 ACP, 8 थाना प्रभारी, 3 निरीक्षक, 250 उप निरीक्षक, 1000 मुख्य आरक्षी, 700 होमगार्ड तथा 5 कंपनी PAC यहाँ पर इनके द्वारा तैनात की गई है। साथ में बड़ी चीज, जिस तरह से आज का दिन पूरा लॉकडाउन भरा जो दिन आज का रहा है कि रोड पर सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोग ही बाहर देखने को मिले हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो लोग अभी चुनाव में खड़े हो रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के डर है कि कल लोग जो जिस तरह से कोरोना का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर कहीं बाहर निकलने में अगर जो लोग हिचकिचाएंगे तो कहीं ना कहीं जो वोट प्रतिशत है उसमें काफी कमी देखने को मिल सकती है। इसके साथ में दूसरी चीज की, जिस तरह से जो वोट प्रतिशत में कमी आएगी तो कहीं ना कहीं उनकी उनको अपनी हार का डर सता रहा है। बीते दिनों पुलिस टीम्स के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, जिस तरह से कई जगह पर लोग कैश लेकर के जाते हुए जो चुनाव में प्रयोग के लिए, कई जगह पर शराब लेकर के जाते हुए, कुछ जगह कोल्ड ड्रिंक्स व अन्य खाद्य पदार्थ लेकर के जाते हुए पुलिस टीम के द्वारा पकड़े गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जो जिन लोगों के द्वारा लोगों को लुभाने का प्रयास किया गया था, वोटर्स को लुभाने का प्रयास किया गया था, उन पर भी पुलिस टीम अब तक नकेल कसने में कामयाब रही है और अभी तक की जो स्थिति है उसको लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया ललित पंडित मुजफ्फरनगर से, सचिन जौहरी आपका भी शुक्रिया, आकाश यादव आपका भी और नीलेश चौहान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर ये कि कल अब इंतज़ार करना होगा कि सुबह 7 बजे से जब मतदान केंद्र खुलेंगे और मतदान करने के लिए आपको जाना होगा तो पूरे कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए और तब आप अपने बूथ पर जाकर अपने मत का प्रयोग करिए, क्योंकि सावधानी ही इस वक्त सुरक्षा है। इसी के साथ इतना ही।